सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश वर्मा, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन द कॉमर्स स्टडी ग्रुप। आज जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है न्यूमेरिकल विद जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में आपको सारा कंसेप्ट मैंने पार्ट ए की वीडियो में आपको समझाया है। अगर आपने पार्ट ए की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप पार्ट ए की वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से उस वीडियो को देखकर अपने जीएसटी के सारे पॉइंट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको आज का क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और जिन्होंने पार्ट ए की वीडियो देख ली है तो उनके लिए अब एक मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम अपना जीएसटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू को कैलकुलेट करना है, परचेज सेल पचेतन और सेतन उसकी किस तरीके से एंट्री ट्रीटमेंट करनी है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पार्ट 9, ठीक है। तो टॉपिक हमारा पेपर ऑफ जीएसटी इन जनरल। तो ये देखिए मैंने चार ट्रांजेक्शन ली है, ठीक है, स्पेस कम होने के कारण मैंने चार ट्रांजेक्शन के लिए इन्हीं को अच्छे से कवर कीजिए, आप काफी क्लियरिटी हो जाएगी। और इसके बाद आप अपने पास के पास जो भी बुक्स हो उस बुक से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो पहला पॉइंट है गुड्स परचेज फ्रॉम निभा, उसने गुड्स परचेज किया निभा से 8000 की लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के टॉपिक भी आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, उसके लिए भी आप अपना टॉपिक जो है अगर किसी ने नहीं देखे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की वीडियो, तो आपको 7th या 6th वीडियो में आपको ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वहां से वीडियो को देखकर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के टॉपिक भी क्लियर कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है उस पर चेज फ्रॉम निभा 8000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट है उस सोल्ड टू मुस्कान रूपी 8000 लेस 4% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद है हाफ ऑफ का उसे रिटर्न बाय मुस्कान, जो मैंने उस मुस्कान को रिटर्न की वो उसने क्या कर दी मेरे को रिटर्न कर दी, उसने जो मैंने मुस्कान को कुछ सेल की थी वो उसने मेरे को क्या कर दी रिटर्न उसमें से हाफ ऑफ। और देखिए मैंने किया क्या, मैंने बेसिकली निभा से सामान खरीदकर सामान मैंने उसको सेल किया था मुस्कान को, तो मुस्कान ने मेरे को सामान वापस कर दिया, वही कुछ मैंने आपके निभा को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करना है कैसे, फॉर्मूला आपको पता है डेट पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक क्रेडिट, दो एंट्री हम यहाँ डालेंगे दो एंट्री वहां डालेंगे। सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम निभा एंट्री, और इसमें क्या हो गया है सभी ट्रांजेक्शन के साथ परचेज और सेल की सभी ट्रांजेक्शन के साथ सीजीएसटी एडजस्ट करेगा 66% ईच। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम निभा एंट्री करेगी परचेजेस फ्रॉम डेबिट, और परचेज डेबिट है इनपुट सीजीएसटी फ्रॉम डेबिट, इनपुट एसजीएसटी फ्रॉम डेबिट टू निभा। यहां पर आप अपनी रिलेशन लिख सकते हो, आप सेम लिख रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। परचेज को क्या किया हमने डेबिट, तो जीएसटी को भी क्या करेंगे डेबिट, और सीजीएसटी एसजीएसटी आप पहले बताई दिया है, और परचेज के साथ हमेशा वर्ड क्या यूज करना है हमने इनपुट। तो अब देखिए अमाउंट कैसे डालना है, सबसे पहले बात करते हैं परचेज की। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि टोटल अमाउंट जितना भी है उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले डिडक्ट करो। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको 8000 की गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% कितना होगा 800 भी आएगा 7200, वो हम डालेंगे परचेजेस में। अब इसी 7200 का निकालेंगे और अपना 6%, तो वो आएगा 432, और इसका भी सेम ही आएगा 432, ठीक है। और ये अमाउंट हमारे पास आ गया 8064, तो ये हमारी एंट्री होगी कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। टोटल कुछ कितने की थी 8000 की, उसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 8000 का 10% 800 माइनस करेंगे 7200 को हमने डाला परचेजेस में, फिर जो अमाउंट परचेजेस के सामने डाला उसी अमाउंट के ऊपर आपने क्या निकाला अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी परसेंटेज, आपको दिया 6%, फिर हमने शो कर दो ऐसे निकाला 7200 मल्टीप्लाई बाय 6%। तो आप करके देख लेना कैसे, आपको कैलकुलेटर आपके पास है और कॉपी में भी आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, तीनों को प्लस करके आगे टू निभा। अब ये उसने किसको सेल किया आगे उस काम को, तो सेल करने की एंट्री करेंगे पहले, एंट्री डालेंगे मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी
टू आउट ऑफ 10 जीएसटी, 15 से आप लिख सकते हैं सेम, ठीक है जी, क्योंकि शेयर भी अलग है तो जीएसटी भी क्रेडिट है, सीजीएसटी है जिसने ऑलरेडी बताई दिया, और शेयर के साथ पैसा वर्क का यूज करते हैं हम आउटपुट। अब देखिए अगेन सेम रूल, सबसे पहले 8000 का 4% करते हैं, वो आएगा 320, तो 8000 में से 320 माइनस करके आएगा 7680, वो हम डालेंगे सेल्स के सामने। अब सेल क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में डालेंगे। अब इसी 7680 का आप लीजिए 6%, वो आएगा 460.8 आएगा, तो उसको आपने राउंड ऑफ करके 461 कर दीजिए। जब हम करेंगे ना ये आएगा हमारा 460.8, इसको राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे 461। अब इन तीनों का प्लस कर देंगे 7680 प्लस 461 प्लस 461 ये आ गया 8602, ठीक है जी, दो होगी पाली की सेकंड एंट्री भी कंप्लीट। जिस तरीके से हमने फर्स्ट एंट्री की वैसे हमने सेकंड एंट्री की, बस फर्क है कि परचेज में डेबिट है और सेल क्रेडिट है। परचेज के टाइम पे जीएसटी एसजीएसटी पे डेबिट है, बस परचेज डेबिट है ना, तो सीजीएसटी एसजीएसटी भी डेबिट हुआ, सेल क्रेडिट है तो जीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्रेडिट हुआ। परचेज का हमारे यूज किया इनपुट, सेल का हमारे यूज किया आउटपुट किया। वैसे सबसे पहले टोटल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आया वो परचेज में डाला, वैसे यहाँ पे टोटल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आया वो सेल में डाला, और जितना अमाउंट परचेज और सेल के सामने है उसी अमाउंट के ऊपर हमने अपनी जीएसटी निकाली। अब आगे हम करते हैं हाफ ऑफ द उस रिटर्न बाय उस काम, हमने उस काम को उस सेल की थी अभी अभी, तो उसको हाफ उस पसंद नहीं आई तो उसने हाफ उस रिटर्न कर दी, एंट्री बनेगी इसकी। देखो सिंपल सी बात है, उस रिटर्न करेगी तो एंट्री क्या लगेगी, सेल रिटर्न अकाउंट है गुस हमारे पास वापस आ गई, फिर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट है आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट है टू नुकसान, यहां पे नुकसान को डेबिट किया, यहां पे नुकसान को क्रेडिट किया, तो ये रिटर्न के लिए रिवर्स हो जाएगा, यहां पे सेल क्रेडिट है यहां पे सेल डेबिट हो गया, यहां पे जीएसटी है जीएसटी क्रेडिट है यहां पे जीएसटी है जीएसटी क्रेडिट डेबिट हो गया। अब सेल डेबिट था तो जीएसटी है जीएसटी डेबिट ही हो गए, और मैंने आपको पहले बताया कि सेल हमें के साथ हमेशा वर्क यूज करना हमने आउटपुट, तो ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट। नरेशन लिख सकते हैं आप इसकी। अब इसके अमाउंट देखो कैसे निकालते हैं, अमाउंट कुछ नहीं करना, उसने हाफ को करना, इन सभी के हाफ करके अपने अपने अमाउंट पे हाफ करो, जैसे मुस्कान के सामने कितना अमाउंट है 8602, इसका हाफ करो वो अमाउंट आएगा 4301, फिर ये अमाउंट कितना है 7680, इसका हाफ करो 3840, ठीक है जी, और फिर 460 का हाफ करेंगे वो आएगा 230, उसका हाफ इसके सामने डाल दिया, सीजीएसटी का अमाउंट है 461, उनका हाफ हाफ करके इसके सामने डाल दिया, उसका हाफ कितना अमाउंट है मुस्कान के सामने उसका हाफ डाल दिया। आगे उसने बोला था जो उस रिटर्न की मुस्कान ने वही उसने आगे किसको रिटर्न करके निभा लिया, अब मुस्कान ने मेरे को कि हाफ उस रिटर्न के मैं भी निभा पा के हाफ उसे रिटर्न करूंगा, और निभा से मैंने कुछ परचेज किया तो एंट्री इसकी बन जाएगी, निभा को रिटर्न किया ना तो निभा हो गया रिसीवर, एंट्री डालेंगे निभा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, और डायरेक्शन आपको पता ही है जो डायरेक्शन हो देंगे सेम होगा, ठीक है। अब निभा निभा का अमाउंट कितना था 8064, तो इसका हाफ करो कितना आएगा 4032, फिर परचेजेस का परचेजेस का अमाउंट 7200, उसका हाफ करेंगे वो आएगा 3600,
पचहत्तर में आ गया। फिर 432 ये आएगा 216, ठीक है। और 25 को क्या किया था, क्रेडिट, तो सीजीएसटी का क्रेडिट और 25 के साथ वैल्यू इसका करना हमने इनपुट। तो ये हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। बस पॉइंट क्या याद रखना है, जिसके जिसके सामने जो जो अमाउंट है उसके सामने हमने उन्हीं के अमाउंट खास करके लाने हैं। लाइक मुस्कान का 802 था, तो मुस्कान के सामने उसका हाफ करके डाल रहा। परचेजिंग का हमारे यहाँ 5200 था, परचेजिंग का हमारे यहाँ 600 डाल दिया। तो जो भी आपको क्वेश्चन में बोला होगा, कई बार वन फोर्थ बोला होगा, कई बार वन थर्ड बोला होगा, कई बार ये हाफ बोला होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर दिया कंप्लीट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ लग गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारा। सबसे पहले उस परचेजिंग से 8000 की 10% ब्रेक डिस्काउंट, 8000 सेल क्रेडिट है, तो जीएसटी भी क्रेडिट होगी और सेल के साथ वन आएगा आउटपुट। और ये हमारा मामला है सबसे पहले 7680 क्रेडिट इसको माइनस करके जो हमने डाला सेल्स में, और उसी अमाउंट का हमने किया 66% 7680 का लिखे मैंने छोड़ दिया। यहां पे 7680 का 6% करेंगे वो आएगा 460.8, जिसको राउंड ऑफ करके आएगा 461, और ये तीनों को प्लस करके आएगा 860। फिर जो हमने उस अमाउंट को उससे सेल की थी उसने हाफ उस समय रिटर्न कर दी, 20% भी उसकी रिटर्न किया। आपको पता ही है सेल का अमाउंट है आउटपुट सीजीएसटी का लेवल, आउटपुट एसजीएसटी का लेवल, दोनों उसका, क्योंकि सेल डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगी और सेल्स के साथ गेम वैल्यू करना हमने आउटपुट। सेल्स के सामने अमाउंट है 7680, सेल्स का अमाउंट कितना होगा 3840, इसका हाफ। सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट है 461, तो इसका आपका क्या आएगा 231, और इसका अमाउंट आएगा 802 का 4301। उसके बाद यही कुछ हमने आगे दिमाग में रिटर्न कर दी हाफ उसी 20% की दिमाग में रहकर 2% इनपुट सीजीएसटी को इनपुट तो वीडियो कैसे लगी उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।